श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी कथा सुनकर बहुत ही सटीक और रामबाण इस साल का महा उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों इस उपाय को करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, साथ ही घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में हमेशा धन धान्य की वृद्धि होती रहती है। देखिए, अगर आप भी धन की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको लगता है आपके घर में हमेशा पैसे की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, साथ ही दरिद्रता रहती है, तो दोस्तों आपको एक लौंग और इलायची का ये महा उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों पूज्य गुरुजी कथा सुनकर आई हम आपको काफ़ी अच्छे से इस उपाय के बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल सा उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है और काफ़ी सुंदर उपाय है। इस उपाय को करने के बाद में आपके घर में हमेशा सुख शांति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए जानते हैं इन उपायों को किस तरीके से करना है और किस दिन करना है। दोस्तों देखिए, कार्यों में अगर अड़चन आ रही है तो एक बाल्टी जल में दो इलायची डालकर इसे उबाल लें, ठीक है। जब यह उबल कर आधा हो जाए तो इसे बाल्टी में डालकर इस पानी से स्नान करें। स्नान करते वक्त ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली मंत्र का जप करें। इलायची के ये खास टोटके शुक्र को मजबूत करते हैं और कार्यों में सफलता दिलाते हैं। किसी तरह की आर्थिक संकट से परेशान है या फिर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है तो अपने पर्स में 5 हरी इलायची रखें। ऐसा करने पर आय बढ़ती है और खर्चे में कमी आती है। किसी गरीब को 1 सिक्का दान करने और साथ में 1 हरी इलायची खिलाने से दरिद्रता दूर होती है। अगर आपको लगता है आपके घर में पैसा टिकता नहीं है तो दोस्तों उसके लिए आपको एक महा उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को आप किसी भी शुक्रवार के दिन या एकादशी के दिन या फिर सोमवार के दिन या फिर अष्टमी के सोमवार के दिन कर सकते हैं। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको 1 हरी इलायची लेनी है, साथ में आपको 1 लौंग लेनी है, ठीक है। दोनों चीज़ें लेकर आपको साथ में एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। अब उस जल में आपको इलायची और लौंग को डाल देना है। साथ में आपको एक चमेली के तेल का दिया ले लेना है, ठीक है। देखिए, अगर चमेली का तेल आपको लाख कोशिश करने के बाद में भी ना मिले तो आप देसी घी का दिया ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें देसी घी में आपको जो है गोल वाली बाती रखनी है और चमेली के तेल में आपको लंबी वाली बाती का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब देखिए, आपको इन दोनों चीज़ों को लेकर पहुंच जाना है अपने घर के पास किसी भी शिव के मंदिर में, ठीक है, जहां पर शिवलिंग हो। वहां जाकर दोस्तों आपको सबसे पहले शिवलिंग के सामने दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को आप जब प्रज्वलित कर रहे हो तब आपको बटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, उनका नाम लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको शिवलिंग के ऊपर जल को धीरे धीरे धार बनाकर आपको चढ़ाना शुरू कर देना है। जल को चढ़ाते समय दोस्तों आपको श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का जप करना है या फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जप करते रहें, ठीक है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा जल उसमें से ले लेना है, जो आपने जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया था वहाँ से कुछ बूंदें आपको अपने लोटे में डाल लेनी है, ठीक है। आपको खाली लोटा अपने घर पर लेकर नहीं जाना है, थोड़ा सा पानी जरूर लेकर जाना, चाहे 2-4 बूंदें क्यों ना हो, ठीक है। उसके बाद में घर ले जाकर दोस्तों आप उस पानी के छींटे अपने पूरे घर में डाल दें। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन से जुड़ी समस्या नहीं रहती है, साथ ही घर में दरिद्रता नहीं फैलती है। इस उपाय को करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में निवास करती हैं, ठीक है। साथ में दोस्तों और भी उपाय हैं जिन्हें हम आपको बताते हैं। देखिए, बड़ के पत्ते पर 5 मिठाइयाँ अलग अलग तरह की रख लें और साथ में 2 इलायची रखकर इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और घर आते समय इसे पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से शिक्षा में सफलता मिलती है। नौकरी में तरक्की या व्यापार में सफलता के लिए 1 हरे कपड़े में इलायची को बांधकर रात में तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह किसी बाहरी व्यक्ति को खिला दें। ऐसा करने से आपको जल्दी सफलता मिलेगी। साथ ही यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य पर बाहर जा रहे हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो घर से निकलते वक्त अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए मुंह में 1 लौंग रखकर निकल जाएं। ऐसा करने से आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। यदि आप पर राहु या केतु का प्रभाव है जिसकी वजह से आपको किसी भी कार्य में परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो हर शनिवार के दिन साबुत लौंग यानी कि फूल वाले लौंग का दान करें। इस उपाय को 11 शनिवार करने पर आपके कुंडली से राहु का दोष खत्म हो जाता है, साथ ही आपके घर में खुशहाली आती है।
यदि कोई आपका पैसा लेकर आनाकानी कर रहा है, आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पैसा डूब जाएगा, तो अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन रात के समय 21 लौंग कपूर में रखकर जला दें। इसके बाद माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हवन कर लें। ऐसा करने से राहु केतु का प्रभाव कम हो जाता है और आपसे उधारी पैसा लिया हुआ इंसान कुछ दिन में आपका पैसा वापस दे जाता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो।